सभी को नमस्कार। बच्चों, क्या आप जानते हैं आज हम आपसे हमारे राष्ट्र प्रतीक के बारे में बात करेंगे। बच्चों, हमारे राष्ट्र प्रतीक हमारे भारत की पहचान है। राष्ट्र प्रतीक हर राष्ट्र की पहचान होते हैं। किसी भी राष्ट्र की पहचान उनके अपने राष्ट्र प्रतीकों से होती है। राष्ट्र प्रतीक अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं। भारत के राष्ट्र प्रतीक भारत की अलग छवि बनाने में उसकी मदद करते हैं। आइए आज हम जानते हैं नेशनल सिंबल्स या राष्ट्र प्रतीक। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी राष्ट्रीय मिठाई की। मुंह में पानी आ गया ना बच्चों? हाँ, ये जलेबी है, गोल गोल रस भरी, कितनी स्वादिष्ट जलेबी। आहा, जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे अधिकतर लोग पसंद करते हैं। इसकी जालीदार होने के कारण इसका नाम जलेबी पड़ा है। तो हमारी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर सभी बच्चों को पसंद है ना? जब ये सावन के टाइम में अपने पंख फैलाकर नाचता है तो बहुत सुंदर लगता है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्रिस्टीटस है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। तो बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? वेरी गुड, मोर है। बरगद। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बड़ के नाम से भी जाना जाता है। बरगद के पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं होती हैं और इसकी एक खास बात क्या है बच्चों? इसकी जो जड़ें हैं वो तने से निकलना शुरू हो जाती है। जब ये पुराना हो जाता है तो तने से ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। सभी की जड़ें जमीन में होती हैं, लेकिन ये एक अकेला वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर से तने से निकल करके नीचे जमीन में जाती हैं और इतनी मजबूत सकते हो। जड़ों से ही इसकी और बरगद का वृक्ष जो है इच्छा पूरी करने वाला पेड़ भी माना जाता है। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। इसे देखते ही मुंह में पानी आ गया ना बच्चों? जी हाँ, ये क्या है? आम है। ये हमारा राष्ट्रीय फल है। इसे हम फलों का राजा भी कहते हैं। इसमें विटामिन ए, सी और डी पाया जाता है, इसीलिए हमारी आंखों और हड्डियों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। कच्चा होने पर इससे अचार बनाया जाता है। इसकी कैरी यूज़ की जाती है। इससे कैंडी बनाई जाती है। इससे आम पापड़ा बनाया जाता है। इसकी जो मैंगो शेक तो आप पीते ही होंगे, यम्मी। मैंगो जूस आप पीते होंगे, यम्मी। इसका शरबत भी आपने पिया होगा बच्चों, और इसे वैसे तो सभी बच्चों ने खाया होगा। तो हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? और इसी के साथ आज हम बोनस में आपको दिखा रहे हैं 1 से 9 तक की गिनती, कुछ छोटे छोटे चित्र बना सकते हैं। इस तरह के चित्र आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं बना करके। आपको खूब मजा आएगा। अभी तो छुट्टियों का टाइम है और आप मस्ती भी कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं श्रीजा एजुकेटर्स को। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।